बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज माय सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन सिटी, tell places in a city. Students, you will recognize and create interest in the topic of cities. Tell names of big cities of Pakistan. Fill in the blanks given in assessment. Students, इस लेक्चर के बाद आप बता सकेंगे कि सिटी सिटी का क्या मतलब है, सिटी में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, और स्टूडेंट्स आपका सिटीज का जो टॉपिक है इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इसके अलावा आप पाकिस्तान की कुछ जो बिग सिटीज हैं उनके नाम बता सकेंगे, और जो ब्लैंक्स दी गई हैं असेसमेंट के लिए आप इस लेक्चर के बाद उनको इजिली फिल कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सिटी? स्टूडेंट्स, आपको पता है सिटी का क्या मतलब है, या सिटी सिटी क्या होती है? ठीक है, तो ओके, मैं आपको बताती हूँ कि सिटी का क्या मतलब है, ये सिटी क्या होती है। अ सिटी इज अ लार्ज टाउन वेयर पीपल वर्क एंड लिव। सिटी एक लार्ज टाउन होता है, एक बड़ा टाउन होता है जहाँ लोग काम करते हैं और रहते हैं। स्टूडेंट्स, विलेज में भी लोग रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन सिटी में क्या होता है कि काफ़ी सारी उनको सहूलतें मिलती हैं, और उसके अलावा और काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शहरों में मिलती हैं। और तो डिफरेंस क्या होता है कि गांव में भी तो लोग रहते हैं और काम भी करते हैं, और शहरों में भी रहते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये आ पॉपुलेटेड एरिया विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक पॉपुलेटेड एरिया होता है। पॉपुलेटेड एरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, पॉपुलेशन से वर्ड निकला है पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, यानी जब बहुत सारे लोग यानी जो किसी जगह पे रह रहे होते हैं ना, उसकी आबादी होती है। ठीक है, पॉपुलेशन का क्या मतलब है, आबादी, और पॉपुलेटेड यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी हो। पॉपुलेटेड एरिया होता है और विद फिक्स बाउंड्रीज, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसकी लोकल गवर्नमेंट भी होती है। जैसे स्टूडेंट्स, अब हम बिहारी सिटी में रहते हैं तो इसकी बाउंड्रीज हैं, और मतलब ये फिक्स होता है कि ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सिटी में आता है। इस तरह से आपको पता ना कि ये फिर किस तरह से यानी ये बाउंड्रीज बनती हैं, ये एक मतलब फिक्स बाउंड्री होती है। ठीक है, और इसकी लोकल गवर्नमेंट भी होती है। जैसे अब हमारे इधर ऑफिसेज हैं, ये डीसी ऑफिस, ईडी ऑफिस वगैरह, तो ये हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सिटी के अंदर ही है। अब बिहारी में और भी काफी सारे गांव भी हैं, तो सिटी और गांव में क्या डिफरेंस है कि इसकी बाउंड्रीज होती है फिक्स और इसकी लोकल गवर्नमेंट होती है। सिस्टम फॉर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, यूटिलिटीज। और स्टूडेंट्स, इसमें सिस्टम ऑफ फॉर हाउसिंग के, इसमें जो घर होते हैं वो बेतरतीब अंदाज में नहीं बनाए जाते। आपने देखा होगा कि गांव में मतलब कोई घर कहाँ बना होता है, कोई कहाँ बना होता है, और कोई जगह मतलब कैसे बनी होती है, किसी की दीवारें होती हैं, किसी की नहीं होती, और खुले खुले मतलब लोगों के घर होते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनके घर पास पास ही हों, काफी दूर दूर उनके घर होते हैं। तो जो सिटी होती है वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम फॉर हाउसिंग होता है, कॉलोनीज वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलोनीज वगैरह बनी होती हैं, टाउन्स बने होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ पे, मतलब जैसे अब इधर हमारा एक बस स्टॉप है, इस तरह से प्रॉपर हमें कन्वेंस मिलती है, मतलब हर चीज का एक सिस्टम होता है। उसके बाद है सैनिटेशन, मतलब सफाई का भी, सीवरेज का भी प्रॉपर सिस्टम होता है, ड्रेनेज का, ये सारा एक प्रॉपर सिस्टम बना होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। यूटिलिटीज, इसके अलावा और काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें सिटी से ही मिलती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिटी और गाँव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स, स्टूडेंट्स सिटीजन्स का क्या मतलब है? सिटीजन्स का मतलब है शहरी, जो गांव, मतलब देखिए सिटी से सिटीजन्स बना है, सिटी में जो लोग रहते हैं उसको, उनको सिटीजन्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अब हम लोग हैं, हम बिहारी में रहते हैं। ठीक है, तो हम बिहारी के क्या हैं, हम बिहारी के सिटीजन्स हैं। द पीपल लिविंग इन अ सिटी आर कॉल्ड सिटीजन्स।
यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं, यानी जो शहरी होते हैं ना, शहर में जो रहते हैं उनको सिटीजन्स कहते हैं। तो सिटीजन्स की लाइफ कैसे होती है, बिजी लाइफ होती है, और उनका काम कैसा होता है, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। स्टूडेंट्स जो सिटी में लोग रहते हैं ना, उनकी जो रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है, और वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जरात, यानी कि खेती बाड़ी और ये फसलें और ये सारा, ठीक है। तो गांव के लोग तो फसलों का काम मतलब नहीं करते ना, जो फसलों का काम होता है, एग्रीकल्चरल वर्क होता है, वो विलेजर्स करते हैं। और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, यानी वो खेतों में काम नहीं करते, फसलों का काम नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी डू फॉर आवर सिटी। स्टूडेंट्स हमें अपने शहर के लिए क्या करना चाहिए। अब हम एक एरिया में रहते हैं जो ऑब्वियसली हमारे कुछ फराइज भी होते हैं, तो हमारे क्या फराइज हैं स्टूडेंट्स, एज अ सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन, अच्छे शहरी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। वी शुड कीप आवर सिटी क्लीन, हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। टेक केयर ऑफ आवर सिटी, और हर तरह से हमें अपने शहर का ख्याल रखना चाहिए, और फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और हमारे सिटी के जो ट्रैफिक रूल्स हैं इनको भी फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज करते हैं, हमें अपने सिटी के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड कीप आवर सिटी क्लीन, हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। टेक केयर ऑफ आवर सिटी, अपने शहर का ख्याल रखना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सम बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स पाकिस्तान के कुछ बड़े शहर जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट वन इज कराची, लाहौर, द सेकेंड इज लाहौर, थर्ड इज इस्लामाबाद, एंड फोर्थ इज पेशावर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये फोर मतलब बिग सिटीज हैं, इसके अलावा और भी बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये यहाँ पे हम फोर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के ये जो बड़े शहर हैं इनकी मशहूर जगहें कौन कौन सी हैं, इनमें मशहूर बिल्डिंग्स हैं या मशहूर जगहें जो हैं वो कौन 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 सी हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स फर्स्ट देखें कराची, तो ये देखें स्टूडेंट्स कराची में ये एक मोहटा पैलेस है, पैलेस कहते हैं महल को, ठीक है। ये एक महल है कराची में, और ये बहुत ज्यादा फेमस है। आपने जस्ट इनके स्टूडेंट्स आप इनके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, ठीक है। कराची है तो आपने कराची के स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, और आपने इनके स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करने हैं। पाकिस्तान की जो बिग सिटीज है ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ठीक है, ये आपने स्पेलिंग्स इसके लर्न करने हैं, और आप अपनी नोटबुक पे भी राइट करेंगे। तो कराची की फेमस प्लेस कौन सी है, एक तो ये है ना मोहाटा पैलेस, इसके अलावा स्टूडेंट्स मज़ार कायद, हमारे फाउंडर हैं जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिना, उनका मज़ार जो है वो भी कराची में है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो कराची की फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हो गई, एक तो ये पैलेस हो गया, और दूसरा वो मज़ार कायद। नेक्स्ट इज लाहौर, ठीक है स्टूडेंट्स, लाहौर की फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं, ये है मीनार पाकिस्तान। स्टूडेंट्स आपको पता ना मीनार पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो करारदादे पाकिस्तान मंजूर होने की खुशी में ये उधर 23 मार्च, आपको पता होगा 23 मार्च को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो उसकी याद में ये बनाया गया है मीनार पाकिस्तान। और दूसरी है बादशाही मस्जिद। स्टूडेंट्स बादशाही मस्जिद लाहौर में है, और ये बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट इज इस्लामाबाद। स्टूडेंट्स इस्लामाबाद की फेमस प्लेस कौन सी है, फैसल मस्जिद, ठीक है, फैसल मॉस्क, ये फैसल मॉस्क है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बड़ी मॉस्क है ये भी। नेक्स्ट इज पेशावर। स्टूडेंट्स पेशावर में ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट्स आपने ये माइंड में रखना है कि कौन कौन सी प्लेसेस इनकी फेमस हैं, इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन हम जहाँ पे जस्ट एक एक या दो दो ही डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इनकी फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, और ये इनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं आपने अच्छे से। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन अ सिटी।
स्टूडेंट्स, सिटी में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, ठीक है? आपको खुद भी पता होगा कि कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, हम कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि सिटी में पाई जाती हैं, तो डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहला है लाइब्रेरी, ठीक है स्टूडेंट्स? सिटी में लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी कौन सी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बुक्स होती हैं, हम वहाँ पे जाके बुक्स बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज सिनेमा। स्टूडेंट्स, शहरों में जरूरी नहीं है कि हर शहर में हो, लेकिन मोस्टली ये शहरों में होता है, ठीक है? तो सिनेमा, यहाँ पे हम कोई टैबलो देख सकते हैं, हम जाके प्लेस देख सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, सिनेमा में क्या होता है कि सिनेमा में हम मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे प्लेस टैबलोज वगैरह हम सिनेमा में देखने जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स, सिटी में हॉस्पिटल जरूर होता है, गांव में भी होते हैं, लेकिन जो सिटी के हॉस्पिटल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, वहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स होते हैं और ज्यादा यानी कि अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन। स्टूडेंट्स, सिटी की एक और प्लेस कौन सी होती है? रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे। स्कूल, और स्टूडेंट्स स्कूल गांव में भी होते हैं और शहरों में भी होते हैं, ठीक है? स्कूल यानी कि वो जगह होती है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्क। और स्टूडेंट्स, सिटीज में बहुत ज्यादा पार्क्स होते हैं। पार्क वो जगह होती है जहाँ पे आप खेलते हैं, जहाँ पे झूले लेते हैं, आप एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट हर सिटी में नहीं होता, पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट है, जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान, कराची, तो इन जगहों पे यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे एयरपोर्ट है। फायर स्टेशन। स्टूडेंट्स, फायर स्टेशन ऑलमोस्ट हर सिटी में होता है, जब कहीं मतलब आग लग जाती है तो आपको पता है कि उसको बुझाने के लिए वो गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी में वो इतना ज्यादा मतलब पानी वगैरह होता है जिससे आग बुझाई जाती है, तो वो एक प्रॉपर फायर स्टेशन होता है जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फायर स्टेशन भी सिटी में ही होते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने जब भी कोई शॉपिंग करनी होती है, हमें चीजें लेनी होती है, तो हम मार्केट जाते हैं। तो मार्केट भी जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, मतलब मार्केट में एक शॉप नहीं होती, काफी ज्यादा शॉप होती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये मीट शॉप है, ये फ्रूट शॉप है, इस तरह से मतलब मुख्तलिफ चीजों की बहुत ज्यादा मतलब शॉप्स बनी होती हैं, एक पूरी मार्केट होती है। तो जब भी हमें चीजें परचेज करनी होती है, हम कहाँ जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ आ गई होगी। हमने आज पढ़ा कि सिटी क्या होती है और उस सिटी और विलेज में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की बिग सिटीज कौन सी हैं, उनकी फेमस प्लेसेस कौन सी हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि सिटी में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, और भी काफी सारी प्लेसेस होती हैं, जैसे कि मतलब मस्जिद होती है, सिटी में मस्जिद भी जरूर होती है, और इसके अलावा हार्बर हो सकती है, या फिर फैक्ट्रीज हो सकती हैं, इस तरह से और भी काफी सारी प्लेसेस हो सकती हैं सिटी में। ओके स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये मैंने लेसन में से ही बनाई है। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा, तो आप इनको इजीली फिल कर सकें, ठीक है? आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है और अपनी नोटबुक पे भी राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।